नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशंस मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब आपके लिए लेके आए हैं जो कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से, रेल कोच फैक्ट्री की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते, क्या कुछ एज है उसमें, सैलरी क्या रहेगी, पैकेज क्या रहेगा और क्या कुछ अप्लाई करने की फ़ीस रहेगी, सारी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो स्किप करते इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाती है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। 11 जनवरी से ये फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं जी। 11 जनवरी से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हैं और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट 31 जनवरी है। और फीस की बात कर लेते तो 4 फरवरी तक आप लास्ट फीस डेट पेमेंट कर सकते हो, यानी कि 31 जनवरी से शुरू है, 31 जनवरी लास्ट है। 11 से लेके 31 जनवरी 20 दिन आपको अप्लाई करने के मिल रहे हैं। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रहेगी। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है जी, कोई भी फीस नहीं है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए मेन बात कर लेते हैं जी। अब वैकेंसी के बारे में, जो कि रेलवे RCF कपूरथला की तरफ से अप्रेंटिसशिप निकली हुई है, कपूरथला की तरफ से अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। मिनिमम एज इसमें 15 साल मांगी है और मैक्सिमम एज 20 दिसंबर तक 24 साल मांगी हुई है। 20 दिसंबर 2021 तक आपकी कम से कम 15 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल एज होनी ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो कि वैकेंसी का नेम है, RCF अप्रेंटिसशिप की ट्रेड अप्रेंटिस है, जो कि 10वीं के साथ 10वीं होनी चाहिए, 50% से आपकी 10वीं पास आउट होनी जरूर है चाहिए और उसके बाद ITI रिलेटेड ट्रेड से होनी चाहिए। और 56 आपकी पोस्टें हैं, 56 पोस्टें हैं जी, जैसे जींद, हिसार और गुरुग्राम, रोहतक के लिए अलग अलग पोस्टें निकली थी। इसी तरह मैंने ये भी पोस्टें आपके साथ शेयर की है, भी इसमें भी आपकी पोस्टें निकली हुई हैं। आपको बताने जा रहे हैं जी, जो कि इसमें फिटर ट्रेड की 4 पोस्टें हैं, वेल्डर की 1 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 13 पोस्टें हैं, पेंटर की 15 पोस्टें हैं, कारपेंटर की 13 हैं, मोटर व्हीकल यानी कि मोटर मैकेनिकल की 3 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिशियन की 7 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 9 पोस्टें और AC रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की 1 पोस्ट है जी। ये आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी पूरी डिटेल दिखाएंगे। पहले बात करते हैं तो ये ऑफिशियली वेबसाइट जो कि मैंने आपको स्टार्टअप में ही दिखा दी है, ये ऑफिशियली वेबसाइट है जी। उसके बाद मेन बात कर लेते हैं आपको ऑफिशियली लिंक नोटिफिकेशन की। ये आपको देखने को मिलेगा, ये नोटिफिकेशन है जी, एडवर्टाइज नंबर 1/2021 अप्रेंटिसशिप फॉर ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप, ठीक है जी, अप्रोप्रिएट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप, ठीक है जी। और इसमें आपने अप्लाई करना है तो ये लिंक भी आपको मैं दिखाऊंगा। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, 10 जनवरी से अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं, इसका लिंक एक्टिव हो चुका है, लिंक भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी डिटेल आपको गिवन मिलेगी, ओके जी। ये PDF भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे बात कर लेते हैं फिल्टर की, पहले फिटर में जनरल SC के लिए, OBC के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, सिर्फ ST की 4 पोस्टें हैं, सिर्फ और सिर्फ ST की हैं और PWD और एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्टें हैं। उसके बाद वेल्डर की कोई भी पोस्ट SC जनरल के लिए नहीं है, कोई OBC के लिए पोस्ट नहीं है, सिर्फ ST के लिए है, ठीक है जी, PWD के लिए 1 है। इसी तरह मशीनिस्ट 3 जनरल की पोस्टें हैं, मशीनिस्ट में 2 SC की पोस्टें हैं और 8 OBC की पोस्ट है, टोटल में 13 पोस्टें हैं। पेंटर की इसी तरह जनरल में 9 पोस्टें हैं जी, SC में 2 पोस्टें, ST में OBC में 2-2 पोस्टें हैं, 15 पोस्टें टोटल में हैं। कारपेंटर की सिर्फ और सिर्फ ST और OBC की 2 और 1 पोस्ट है। इसी तरह मोटर मैकेनिकल के लिए ST और OBC के लिए 1-1 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन के लिए 4 पोस्टें हैं जी, जनरल की 1 पोस्ट है, SC की और 2 पोस्टें हैं OBC, इसमें
एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल की 5 पोस्टें जनरल की हैं, एक एक पोस्ट एससी एसटी की है, 1-2 पोस्टें ओबीसी की है, टोटल में 9 पोस्टें हैं। एसी एंड रेफ्रिजरेटर की सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी एसटी कैंडिडेट के लिए पोस्ट है जी, टोटल में 56 पोस्टें आपको देखने को मिल गई। मेन बात करते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपकी मेरिट लिस्ट पर डिपेंड रहेगा, भी आपके आईटीआई के मार्क्स पर डिपेंड रहेगा और आपकी 10वीं के मार्क्स पर डिपेंड रहेगा, भी आपकी परसेंटेज कितनी जाती है। और सेकंड में बात करें, अगर दो कैंडिडेट सेम मार्क्स के मिल जाते हैं, उनमें से जो बड़ी एज का है उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये साफ नोटिस में सेकंड पॉइंट में आप पढ़ सकते हो, जिसका जन्म जो यानी कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट 18 साल का है, क्योंकि इसमें 14 से 24 साल मांगे हुए हैं, 18 साल का कोई कैंडिडेट है, उनके मार्क्स सेम मिलते हैं, जो नंबर हैं नंबर सेम मिलते हैं, बट जो 24 साल का अगर मान लीजिए उसी के मार्क्स के बराबर का कोई कैंडिडेट है, तो प्रेफरेंस 24 साल वाले को दी जाएगी, 18 वाले को नहीं दी जाएगी। ओके, दैट क्लियर है, ये पॉइंट में आपको बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट नोट जो दिए हुए हैं। फाइनली मेरिट लिस्ट आपकी आउट होगी, उसके डिपेंड पर ही आपको डिसाइड किया जाएगा रखना है या नहीं। जिनको रखना है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है जी। और आपको हर एक कैंडिडेट जब आप अप्लाई करोगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जो कि आपको अखीर तक एंड तक संभाल के रखना है। और इसमें ऑफिशियली नोटिफिकेशन में बात कर लें तो आपकी 15 साल मिनिमम और मैक्सिमम 24 साल एज 20 दिसंबर तक मांगी हुई है। रिलैक्सेशन सेम प्रोसेस है जी, 3 साल का और 5 साल का, वो आप देख सकते हो। ये फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए यह क्राइटेरिया है। उसके बाद जो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। मिनिमम एजुकेशन इन्होंने मांगी है जी, 10th हो तो आपकी बढ़िया है, अगर 12th हो तो आपको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। ओके जी, और सारे का सारा फॉर्म ऑनलाइन होगा, नॉन रिफंडेबल फीस होगी, फीस सिर्फ इसकी 100 रुपीज़ है। अगर कोई कैंडिडेट कहता है सर मेरे को इसका डेमो चाहिए, मैं डेमो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको प्रोसेस भी बता दूंगा। जैसे मैंने जयपुर की यूनिवर्सिटी की भी डेमो बना के बताई थी, उसी तरह आपको डेमो भी बता दूंगा। आपने मेरे को एक आध दिन में ये बता देना भी आपको डेमो चाहिए, तो मैं इसका डेमो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात कर लेते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है। मेन अप्लाई का जो कैंडिडेट खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, वो उनको 3.5 × 3.5 सेंटीमीटर का पहले तो फोटोग्राफ कलर्ड चाहिए, कलर्ड फोटो JPG में 100 DPI में स्कैन की हुई होनी चाहिए, 20 से 70 KB का साइज होना चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर भी सेम 5 से 30 KB के सिग्नेचर साइज चाहिए और 100 DPI पर स्कैन किया हुआ होना चाहिए। ये यानी कि प्रिंटर से ही होगा, प्रिंटर के बिना आप किसी से DPI में चेंज से नहीं करोगे। अगर 100 DPI से कम हुआ तो ये पोर्टल ही आपका फ़ोटो और सिग्नेचर पिक नहीं करेगा, ठीक है जी। और सारे का सारा आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल जो होगा आपका वो भी बताया जाएगा। हाँ, मेन बात आती है, अगर आपको कोई क्वेरी हो इस रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के रिगार्डिंग, तो आपको ये नंबर गिवन है जी, ये हेल्प डेस्क के नंबर, जो कि आपने सुबह 10 बजे के से लेके शाम के 5 बजे तक संडे को और हॉलीडेज को, छुट्टी वाले दिन में कॉल नहीं करनी, बाकी जब मर्जी आप इसको कॉल कर सकते हो, आप अपनी क्वेरी क्लियर आउट कर सकते हो। आई होप सो, भी मेन चीज़ें मैंने सभी बता दी हैं आपको, बाकी आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो ध्यान से। ये नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। मेन बात करते हैं अप्लाई करने की। ये अप्लाई करने का पोर्टल आपको इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप ओपन करोगे तो लोग यहाँ पर आपका ये लॉगिन नेम मांगा हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए नेम आप क्या देना चाहते हो, अपना फिल कैपिटल में नेम लिख दीजिए, फिर अपना जो सही नेम है यानी कि जो तो लॉगिन आईडी के लिए आप यूज करना चाहते हो वो नेम, यहाँ पर कैंडिडेट खुद का सही नेम लिखे जो 10वीं की DMC में है, सिटी कौन सी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
यहाँ पर सेव कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे जैसे जैसे क्वालिफिकेशन मांगे, सारी क्वालिफिकेशन आप अपनी फिलअप कर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट कहता है सर मेरे को इस वीडियो इस पर डेमो चाहिए भी फॉर्म कैसे फिलअप करें, तो मैं पूरे का पूरा डेमो भी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग इस RCF की जो फैक्ट्री रेलवे फैक्ट्री कोच की पोस्टें हैं, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की पोस्टें, इसके रिगार्डिंग आपको डेमो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बस एक दो दिन यानी कि 31 जनवरी से पहले पहले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 17 जनवरी तक मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए व्हाट्सएप पर, और आपको इसका डेमो भी इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और अगर आपको किसी और भी क्वेरी चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक प्रोवाइड हैं, नंबर प्रोवाइड हैं, व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड है, उस पर भी कॉन्टैक्ट कंसर्न कर सकते हो। व्हाट्सएप कीजिएगा ओनली, तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जिन जिन कैंडिडेट ने 10th के साथ ITI की हुई है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सब उनको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस के तौर पर मिलने वाली है। आप जल्द से जल्द वीडियो को ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।